कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक तो नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आनी चाहिए वो थ्योरीज आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस होता है। तो नोमेनक्लेचर में आपको ख़ास तौर से क्या समझना है कि जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मान लो कोबाल्ट के साथ या क्रोमियम के साथ ले लो, क्रोमियम है उसके साथ अमोनिया है 6 और यहाँ पे Cl3 लिखा है, तो दिस इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल फॉर्म्स कोऑर्डिनेट, हाँ इसको ठीक करता हूँ, क्यों नहीं आ रहा, इसकी वजह से तो नहीं कर पा रहा कुछ। कैमरा उधर से कैमरा ऑन कर, ऑफ करना बेटा, कैमरा ऑफ करके फिर से ऑन कर ले, अभी भी इतना साफ नहीं है। इसमें तो क्लियर नहीं है, इसमें तो क्लियर नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है इसमें। दूसरा वाला मोबाइल लगाए, दूसरा वाला चार्ज हो जाए 2 मिनट में, तो फिर वो एक ही पे है अभी, चार्जिंग नहीं हो पाई। अब हुआ कुछ फोकस, यस अब ठीक हो गया। ठीक है, इसको कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल फॉर्म्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द सेंट्रल मेटल, कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल फॉर्म्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द लीगेंड्स, विद द डोनर्स और द लीगेंड्स, विद द डोनर्स और द लीगेंड्स। ठीक है, डोनर्स और उनके साथ ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्यों बनाता है उसका कारण है, कारण ये है कि नमोनिया जो है इसके पास लोन पेयर है, क्रोमियम के पास डी ऑर्बिटल खाली होता है, ये अपने 6 लोन पेयर देगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसके लोन पेयर जब इस क्रोमियम के डी ऑर्बिटल में आएंगे तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और इसको हम सेंट्रल मेटल कह रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन भी होता है, या आयन, ठीक है, और इसको डोनर या लीगेंड कहते हैं, ये लोन पेयर देता है डोनर और लीगेंड। इसको कोऑर्डिनेशन, अगर ये एक तरफ से एक लोन पेयर दे रहा है तो 6 हैं तो 6 लोन पेयर दे रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसको आयनाइजेबल पार्ट या काउंटर आयन कहते हैं, आयनाइजेबल पार्ट और काउंटर आयन भी कहते हैं, ये आयनाइज हो जाता है पानी में डालने पे, और ये जो पार्ट है इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हाँ जी, नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर से नहीं पता चलता कितने लोन पेयर है, आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर यहाँ पे हम EN3 लिखते, अगर ये ऐसे होता, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप कहते 3 है तो गलत हो जाता, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि EN दो तरफ से लोन पेयर देता है, तो टोटल लोन पेयर 6 दे रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर अगर सिंगल सिंगल वाला है तो वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो दिख रहा है उससे आइडिया लग जाता है, बट आपको समझना चाहिए कितने लोन पेयर दे रहा है,
छः लोन पेयर दे रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है, ठीक है। हाँ, तो ये आपके मेन मेन चीज़ें इसके अंदर नाम है, और इसको अगर पानी में डाल दोगे तो ये क्रोमियम के साथ जो छः अमोनिया हैं ये एज इट इज़ कॉम्प्लेक्स में रह जाएंगे और 3Cl- माइनस अलग हो जाएगा। मतलब है, एक कंपाउंड है, इसको एक मॉलिक्यूल डालोगे तो चार आयंस बन जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एज इट इज़ रहेगा, ये जो स्फीयर है एज इट इज़ रहेगा, और ये वाला पार्ट आयनाइजेबल जो है वो अलग हो जाएगा 3Cl। तो क्लोराइड का टेस्ट आपको मिलेगा, बट आप अमोनिया का या क्रोमियम का टेस्ट करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो ये बोथ ऑफ देम विल नॉट गिव द टेस्ट, ना क्रोमियम टेस्ट देगा ना अमोनिया टेस्ट देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये खासियत होती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी की कि वो पानी में डालने के बाद भी वो कॉम्प्लेक्स एज इट इज़ रह जाता है। क्या चक्कर है यार इसमें? अब सही आया, कुछ सही आता है फिर गड़बड़ा जाता है। नेटवर्क की ही इशू है। नेटवर्क का गड़बड़ा, ठीक है। ये समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। अब जब नॉमनक्लेचर करते हैं इसका, तो इसमें हम सेंट्रल मेटल का नाम, अगर कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना शुरू करेंगे तो सेंट्रल मेटल का नाम बाद में होता है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट हो गया ये कॉम्प्लेक्स आ गया। अमोनिया छः हैं तो इनका नाम पहले आएगा, क्रोमियम का बाद में आएगा। हेक्सा अमीन क्रोमियम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये क्लोराइड हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे हेक्सा अमीन क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट और क्लोराइड, ठीक है। तो क्रोमियम एक्स ले लो, अमोनिया का जीरो होता है चार्ज, क्लोरीन का माइनस वन होता है, तीन है तो माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री, रोमन न्यूमरल में थर्ड ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है ना। उतारिए इसको, थोड़ा सा उतारिए। हाँ जी, अमोनिया में डबल एम लगता है, NH2 होता है तो सिंगल एम लगता है। अमोनिया है तो डबल एम, क्लोराइड का माइनस थ्री होता है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा एलिमेंट का। ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसको एक्स मान लो, अमोनिया न्यूट्रल होता है इसका जीरो हो गया, और एक क्लोरीन का माइनस वन होता है तो तीन है तो माइनस थ्री हो गया। ओवरऑल पे चार्ज क्या है, जीरो है, तो एक्स की वैल्यू थ्री हो गई, उसको आपको लिखना है। हाँ, जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा उसी को लिखना होता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। फिर इसके अंदर आपको याद करना पड़ेगा कि अलग अलग जो लिगेंड्स होते हैं उनके ऊपर अलग अलग चार्ज होता है, उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको याद रखना पड़ेगा कुछ चीज़ें। तो पहले एक दो की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इनके अंदर नॉमनक्लेचर कैसे करना चाहिए, ठीक है जी। कंपाउंड इन्होंने दिया है कोबाल्ट दिया है NH3 4 Cl, कोबाल्ट NH3 4 Cl NO2, और उसके बाद बाहर इन्होंने लिखा है NO3, ठीक है बच्चों। ज़रा कोई इसके नाम लीजिए, कोशिश करिए इसका नाम क्या होना चाहिए।
कोशिश करिए, देखिए इसका नाम क्या हो सकता है। क्या नाम हो सकता है? हाँ, तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मान लें। अमोनिया की तो जीरो होती है, क्लोरीन की माइनस वन, एनओ टू की भी माइनस वन, नाइट्रेट की भी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू थ्री। अब ये जो लीगेंड्स हैं तीन हैं, तो इनके नाम अल्फाबेटिकली आपको लिखने हैं। तो ये जैसे अमीन है, ये क्लोराइडो है, ये नाइट्राइटो है, तो इसको हम लिखेंगे टेट्रामीन। अमोनिया है तो डबल एम लगता है इसमें, टेट्रामीन, फिर क्लोराइडो, क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो एन, एन इसके बाद फिर कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, और नाइट्रेट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको भी देख, क्योंकि एन लोन पेर, एन की ओर से लोन पेर दे रहा है, ओ एन ओ लिखा होता तो नाइट्राइटो ओ लिखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के थ्री एफ ई सी एन सिक्स, इसका नाम लिखिए, और एक और लिख देते हैं, के फोर एन आई सी एन फोर, के फोर एन आई सी एन फोर, के फोर है, हाँ करिए, इनके नाम लीजिए, इसका नाम क्या होगा? हेक्सा साइनाइडो, ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेंगे, इसकी प्लस थ्री हो गई, एक्स माइनस थ्री इज माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री हो गया, हेक्साइनाइडो, और आयरन का लिखोगे फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। आपको अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि ये प्लस थ्री है, तो यहाँ पे माइनस थ्री चार्ज आ रहा होगा, कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आता है तो सेंट्रल मेटल के नाम के पीछे ए टी ई लग जाता है। उतारिए जल्दी से इसको, उतारिए, फिर मैं और समझाता हूँ। हाँ जी, थर्ड वालों को क्या लिखा आपने? हाँ, पोटेशियम इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस थ्री चार, इसके ऊपर जो बाहर है प्लस थ्री होगा, इसके ऊपर माइनस थ्री होगा, तो जब भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो सेंट्रल मेटल के नाम के पीछे ए टी ई लगता है। ठीक है, इसको कहेंगे पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो। अब ये यहाँ पे प्लस फोर चार्ज है, यहाँ माइनस फोर चार्ज होगा, निकलेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, जीरो आएगी, प्लस फोर प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो लिख दोगे, पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकलेट। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें आप जब ही लिख पाओगे सही से, जब आपको एक तो लीगेंड्स के नाम मालूम हैं और उनके ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो मालूम होना चाहिए। तो मेन मेन का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ के ऊपर माइनस वन होता है उसको फ्लोराइडो कहते हैं, सी एल पे माइनस वन होता है उसको क्लोराइडो कहते हैं, ठीक है, बी आर पे माइनस वन होता है ब्रोमाइडो कहते हैं,
एनओ टू के ऊपर माइनस वन होता है, इसको नाइट्राइटो एन कह देते हैं, ठीक है। ओ एन ओ अगर लिखा है तो इस पर भी माइनस वन है, इसको नाइट्राइटो ओ कहते हैं। ओ एच नेगेटिव होता है तो हाइड्रोक्सो। निकल के बाद कहाँ क्या लिखा है, निकलेट जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली है आपने निकल की, एनओ थ्री अगर माइनस है तो नाइट्रेटो, जो भी लिगेंड नेगेटिवली चार्ज है उसके नाम के पीछे ओ होता है। सी एन पर माइनस है तो साइनाइडो, ठीक है। सी ओ के ऊपर थ्री टू माइनस है तो उसको कार्बोनेटो। हाँ जी, एनओ थ्री का नाइट्रेटो, नाइट्रेट के पीछे ओ लगा दो, ये हटा के नाइट्राइटो नाइट्रेटो। सल्फेट अगर है तो सल्फेटो, ठीक है। और सी ओ ओ माइनस है, इसको ऑक्सलेट कहते हैं तो ऑक्सलेटो। इसको सी टू ओ फोर भी लिख सकते हैं, टू माइनस चार्ज, और इसको ओ एक्स भी लिखा जाता है शॉर्ट में। सी टू ओ फोर टू माइनस भी लिख सकते हो, या ओ एक्स भी लिख दिया जाता है ऑक्सलेटो को, ओ एक्स, ठीक है। वाटर को एक्वा कहते हैं, अमोनिया को अमीन कह देते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बोनाइल। ये न्यूट्रल है, ई एन है तो इसको इथेन वन टू डायमीन। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, सी एच टू सी एच टू एन एच टू एन एच टू, ठीक है जी। और एनओ है तो उसको नाइट्रोसिल कहते हैं, पी एच थ्री है तो इसको फॉस्फीन कहते हैं, और अगर ऐसे हो सी सिक्स एच फाइव होल थ्राइस पी तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कहते हैं इसको। और अगर N के ऊपर ऐसा हो, यहाँ पे N है तो पिरिडीन कह देते हैं। पिरिडीन, ठीक है। और C3NH2 हो तो मिथाइलामीन कहते हैं। तो ये मेन मेन थोड़े से लिख लीजिए, EDT एक और लिख दूंगा मैं। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को इस तरह भी लिखा जाता है, PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऐसे भी लिखा जाता है। तो लेफ़्ट वाला पहले उतार लीजिए तो लेफ़्ट वाली जगह खाली हो जाएगी, तो कुछ चीज़ें मैं लिख दूंगा बोर्ड पे। उतारिए, हाँ जी, कुछ चीज़ें उतार ली, लेफ्ट वाली उतार ली थोड़ी थोड़ी। अब साफ दिख रहा है,
बीच बीच में साफ होता है फिर गड़बड़ा जाता है। कुछ नेटवर्क का ही होगा प्रॉब्लम, नेटवर्क ही गड़बड़ है। ये यहाँ पे आपने ब्रोमाइडो लिख लिया, उसके बाद सल्फेटो, फिर ऑक्सलेटो। सेकेंड रो में वाटर के लिए एक्वा है, वाटर के लिए एक्वा लिख लो, और NH3 के नीचे अमीन लिख दो, CO के नीचे कार्बोनाइल लिख दीजिए, EN जो है इथेन 1,2-diamine होता है, ठीक है। NO का नाइट्रोसिल होता है, PH3 का फॉस्फीन होता है, और फॉस्फीन इस तरह भी ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, H हटा के तीन जगह बेंजीन रिंग लग गई, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन PPH3 भी लिखा जाता है। इस तरह से है तो इसको पिरिडीन कहते हैं, और CH3NH2 है तो मिथाइल अमीन कह देते हैं। तो ये जो है ज़्यादातर जनरली हम लोग लिगेंड्स यूज़ करते हैं, इनके नाम भी मालूम होना चाहिए, इनके चार्ज भी मालूम होना चाहिए। जैसे कार्बोनेटो में -2 होता है, इस कार्बोनेटो में इसके ऊपर -1 होता है, और EN जो होता है इथेन 1,2-diamine होता है। उतारो इसमें, देखना वो वाईफाई चल रहा है नहीं। वाईफाई ऑन कर दे। नहीं चला तो या तो इसको दबा के ऐसा कर, दबा दे वाईफाई का, वो डाल दे। तुषार वाला होगा ना, चल गया, ये रोटेट हो गया ना, इसको सीधा कर दे, रोटेट हो गया ना, अब ठीक हो गया, आ गया सीधा, आ गया। हाँ ट्राईफिनाइल फॉस्फीन लिखा इसके बाद। C6H5 का होल थ्राइस P। इस समय साफ होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, उतार लो जल्दी से। हाँ चलिए, अब हम एक कंपाउंड और लिख रहे हैं बोर्ड पे, उसका आप लोग नाम बताएंगे। ये लिखा है K3CO CN 5NO। इसका नाम क्या होगा? क्या नाम बोलेंगे? पोटेशियम। इसका तो कोबाल्ट है, ये तो बाद में आएगा। ये सी से है, ये एन से है, तो 5 से है, ये तो पेंट्रासाइनाइडो नाइट्रोसिल, एनओ का है नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल कोबाल्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट दे देंगे, +3 + x - 5 + 0 = 0, x = 2, x = 2 second। देखिए इसमें दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। पहली बात, अगर कोई चीज़ पहले लिखी है स्क्वायर ब्रैकेट के तो उसका नाम पहले आएगा। दूसरी बात, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो सेंट्रल मेटल है इसका नाम बाद में आता है, ये लीगेंड्स हैं, लीगेंड्स का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। ये साइनो सी को देखना है, पेंटा को नहीं देखना है, 4-5 लगे वो नहीं। साइनो है तो साइनाइडो, पेंटा साइनाइडो, सी पहले आ गया, नाइट्रोसिल, और सेंट्रल मेटल का नाम के पीछे ATE लगेगा
अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि ये प्लस थ्री अगर है तो यहाँ पे माइनस थ्री चार्ज होगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स अगर पीछे होता है, कोई मेटल पहले होता है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है, उस केस में उसके नाम के पीछे ए टी ई लगा देते हैं। और जो लीगेंड्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनके नाम के पीछे ओ लगता ही है। जो न्यूट्रल है उसका नाम तो जो है वो है, अमीन है तो अमीन है, नाइट्रोसिल है तो नाइट्रोसिल है, कार्बोनाइल है तो कार्बोनाइल है। बट अगर कोई लीगेंड्स नेगेटिव चार्ज होता है जिस पे, तो उसके नाम के पीछे ओ लगता है। जैसे यहाँ कार्बोनेटो, साइनाइडो, नाइट्रेटो, ठीक है, ये लीगेंड्स के नाम के पीछे ओ लगने का मतलब है कि वो नेगेटिवली चार्ज है। ओके जी, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन लिखा मैंने, दूसरा क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं, उसको नाम आपको बताना होगा। सी आर पी पी एच थ्री सी ओ फाइव, ठीक है, ये रोटेट, इसको जरा सही करने में बेटे, रोटेट हो गया कैमरा, सी ओ होल फाइव, यस, हाँ ठीक आ गया। अब उसको ऑफ करने के बाद भी ये घूम जा रहा है, नहीं सर, वो मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है। ओहो, हाँ जी, इसका नाम बताओ जल्दी से। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो हो गया। ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, पी से शुरू हो रहा है, और ये कार्बोनाइल है तो पेंटा कार्बोनाइल पहले आ जाएगा, पेंटा कार्बोनाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को ब्रैकेट में कर दो, डाई ट्राई टेट्रा किसी में लगा तो ऐसा है, ये कॉम्प्लेक्स है खुद ही, तो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन और इसके बाद क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है तो जीरो लिख दो, उतारिए। हाँ जी, जब एक से ज़्यादा होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं तब बिस लगता है, अभी उसको भी देखते हैं। ये दोनों उतार लिए आप लोगों ने, तो इन दोनों को हटा देते हैं और एक केस दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कंपाउंड दिया हुआ है एफ ई ई एन होल सिक्स होल थ्राइस सी एल थ्री, एक तो इसका नाम लिखो, ये थर्ड ले लेते हैं इसको, और एक ये ले लेते हैं फोर्थ वाला एफ ई ई एन होल ट्वाइस और ओ एक्स बी आर। चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, ई एन जो होता है इथेन वन टू डायमीन है, इसके अंदर डाई लगा है तो इसको ट्रिस कहते हैं, ट्रिस ब्रैकेट के अंदर इथेन वन टू डायमीन, देख रहे हो इसमें अमीन में सिंगल एम है, एन एच टू है ना, इसलिए आयरन थ्री क्लोराइड। ये एक्स प्लस जीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। अब इसके केस में क्या होगा, इसमें बेस लगेगा, ये इथेन वन टू डायमीन है, ये ऑक्सिलेटो है तो बेस इथेन वन टू डायमीन ऑक्सिलेटो आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमाइड। ये एक्स प्लस जीरो माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू थ्री, देख लो नाम समझ में आ रहा है, बिस्ट्रेस इस तरह यूज किया जाता है। या लटा दे फॉस्फीन वाला, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन,
एक कंपाउंड है जिसके अंदर बहुत सारे लिगेंड्स लगे हैं, तो उनको उसको भी नाम दे देते हैं। MN है, NH2 है। हम अपने मन से बना दे रहे हैं कंपाउंड को, ऐसा कंपाउंड होता नहीं है पर बना देते हैं, प्रैक्टिस करनी है हमें तो। चलिए इस कंपाउंड का नाम लीजिए, क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? पोटेशियम तो लिखोगे ही, तो पहले वो तो लिख ही दो। पोटेशियम अमीन पहला आ जाना चाहिए, ये अमीन है, ये एक्वा है, ये इथेन 1,2-diamine है, सल्फेटो या कार्बोनेटो या ऑक्सलेटो या क्लोराइडो, ठीक है जी। तो सबसे पहले अमीन आएगा, तो दो है तो डायमीन, फिर ये डायक्वा, फिर डाइक्लोराइडो, CH है ये एक CO है, तो ये CH वाला पहले आ जाएगा डाइक्लोराइडो, फिर कार्बनेटो, ठीक है ना, ये पहले आना चाहिए था, CA है ना, हाँ कार्बनेटो पहले आएगा, CA है ना, कार्बनेटो, और डाइक्लोराइडो, ठीक है। अब ये इथेन 1,2-diamine ब्रैकेट में लिखोगे, इथेन 1,2-diamine ब्रैकेट के अंदर आ गया, फिर सल्फेटो S है, फिर O है, O पहले आ जाएगा, ऑक्सलेटो, फिर सल्फेटो। अब मैंगनेट कहना है इसको, इस पर प्लस वन चार्ज है तो इस पर ओवरऑल माइनस वन होना चाहिए, मैंगनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं इसकी, प्लस वन है, प्लस एक्स, प्लस जीरो, माइनस टू, प्लस जीरो, प्लस जीरो, माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू 7 आ गया, 8 में से एक गया 7 आ गया। देख लो भाई, समझ में आया? हालांकि ऐसा कंपाउंड होगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 6 वाले होते हैं, और ये तो बहुत सारे लोन पेयर दे रहा है, दो ये दे रहा है, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, दो चौदह, इतने कौन रखेगा, ठीक है ना। नाम प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया आपको, कोई चीज़ इसमें कम समझ में आ रही है तो पूछ लो। ये राइट वाला हटा देते हैं, फोर्थ वाला, ऊपर वाला भी उतार लिया होगा आपने, ये भी हटा देते हैं। हाँ जी, चलिए अब दूसरी तरह के कंपाउंड, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके भी नाम देख लें। जैसे Fe H2O होल 4 Cl2 है, और Cr
NH3 होल ट्वाइस Cl4 है, ये कैटायन है, ये एनायन है, पीछे वाला एनायन होता है, आगे वाला कैटायन होता है, ठीक है। तो ये कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब इसके अंदर जो नाम देंगे तो ये वाले पोर्शन का पहले नाम देंगे, बट इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, ये क्लोरीन की -1 होती है तो ये -4 तो दिख ही रहा है, इसकी तो 0 होती है। इसको अपने मन से कोई वैल्यू दे दो, 3 दे दो, 2 दे दो, 3 दोगे तो इसके ऊपर -1 चार्ज चढ़ा, तो यहाँ पे +1 चढ़ना चाहिए। तो ये -2 दिख ही रहा है, ये 0 है, तो इसको कितना दें, 3 दोगे तो अभी तो +1 आएगा, तो बस अगर इसको 2 देते और ये तो 0 था, ये -4 तो यहाँ -2 चढ़ता, तो यहाँ +2 चढ़ता, तो ये तो -2 है ही है, ये 0 है, तो इसको क्या 4 देना पड़ता वैल्यू। तो अभी हम माइनस याले से अगर चलते हैं तो नाम क्या होगा, ये हटा दें, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड अलग अलग मेटल्स दोनों अलग अलग हैं, तो एक्स तो मान नहीं सकते दोनों को, एक्स प्लस वाई लेके चलोगे तो एक ही इक्वेशन से दो सॉल्व नहीं होंगे, तो इसलिए अपने मन से वैल्यूज देनी पड़ती है। तो हम इसके अंदर टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो आयरन है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 निकाली है हमने पहले वाले में, 3 लिख देंगे, और यहाँ पे डायमीन टेट्राक्लोराइडो क्रोमेट, इसमें AT लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पीछे वाला है, और इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट हमने 3 निकाली है इसकी भी, इस तरह से नाम होगा। उतारिए, ऑक्सीडेशन वाले में आपको नाम, ये -4 दिख रहा है, ये 0 है, इसको 2 या 3, 1, 2, 3 में से कोई वैल्यू अपने हिसाब से दे दो, तो इसको अगर 3 वैल्यू दोगे तो -1 चार्ज चढ़ेगा, इस पर +1 चढ़ना है, ये -2 है, तो इसको 3 दोगे जब ही होगा, तो इसकी 3 हो गई, इसकी भी 3 हो गई। उतारिए, चलिए इस वाले कंपाउंड को करिए CrNH3 होल 5 Br, आगे है ZnCl4, इसका नाम लीजिए, और एक यहाँ पे लिख देते हैं CONH3 होल 4 Cl2, यहाँ पे 3 है, CrCN6 है, यहाँ पे करिए, नाम दीजिए। इसका नाम क्या होगा बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है बताइए। पेंटामीन ब्रोमाइडो क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकाल लेते हैं, टेट्राक्लोराइडो जिंकेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेंगे, जिंक की ज़्यादा तो +2 होती है, तो ये -4 है, तो इसकी 2 ले लो, तो यहाँ -2 आ गया, तो इसको +2 लाना है, ये -1 होती है, ये 0 हो गई, तो ये +3 होगा, तो क्रोमियम की 3rd कर दो, जिंक की 2nd कर दो, इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख सकते हो। हाँ जी,
बता तो रहे हैं 1 2 3 में लेने, ज़्यादा कोई इधर उधर जाना ही नहीं है, 1 2 या 3 इन्हीं तीनों में से कोई ले लो, जिससे सही बैठ गया वो ले लो। अब जैसे ये वाला सेकंड वाला केस है, इसको करिए ज़रा तो आपको आइडिया लगेगा। करिए जल्दी से सेकंड वाला करिए, सब लोग अपने आप करके देखिए सेकंड वाला। करण का क्या निकल के आ रहा सेकंड वाले का, नाम बताओ। हाँ, पूरे कॉम्प्लेक्स पे 3 चार्ज चढ़ा। जल्दी जल्दी करो सब लोग, और लोग भी करो। हाँ, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। देवेश को आइडिया लग रहा है क्या नाम होगा इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखी, निकालिए जल्दी से। हाँ जी, जिसको आ जाए वो बोल दे, किसी को भी आ जाए तो वो बोल दे इसका नाम क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताए। शुभांगी को आइडिया लग रहा है? हाँ बोलो। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाह रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में 3-3 आ रही है। नहीं, ट्रिस लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रिस लगाने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलता है कि वो कितना होगा। दोनों में 2 आ रही है। अच्छा, कोई 3 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है, 3 आ रही है। अच्छा चलो देख लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको, समझिए। इसको ऊपर लिख लेते हैं, CO NH3 whole 4 Cl2 3 यहाँ पे लगा हुआ है, और CrCN whole 6। अब ध्यान दीजिए, CN पे -1 होती तो ये -6 हो गई, इसको हमने 3 दे दी मान लो, तो ये -3 आ गया, इस पर +3 लाना है। इतनी बात समझ में आ रही है? +3 कब आएगा? जब अंदर अंदर 1 आ जाए, 1 × 3 = +3 हो जाएगा। तो इसको, ये तो -2 है, ये 0 है, तो इसको +3 दे दो तो +1 आ गया, +1 × 3 = +3। इतनी बात हजम हो रही है सबको? बस तो आंसर लिख दो, टेट्रामीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 लिख दिया, हेक्सासाइनाइडो क्रोमेट 3। देख लो जी, आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर थोड़ा थोड़ा। तो ये तो जब नाम दिया है तो आपको इसका किसकी, इसमें CN की -1 होती है, -6 हो गया, क्रोमियम को हमने अपने जान के इसको ऑड दे रहे हैं। ऑड नंबर इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे ये ऑड दिख रहा है, अगर इसको इवन ले लेते, 2 -4 ले लेते तो ये -4 लाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता 3 से मल्टीप्लाई करके, तो इसलिए ऑड इसको ले लिया, 3 ले लिया। तो 3 जब ले लिया तो 3 - 6 = -3, यहाँ पे +3 चार्ज लाना है। +3 कब आएगा? जब अंदर +1 बने, ये -2 है, ये +3 कर दो तो +1 हो गया, +1 × 3 + 3 हो गया। पीछे वाला एनायनिक होगा, आगे वाला कैटायनिक होगा। हमेशा कंपाउंड जब भी लिखते हो तो कैटायन पहले लिखते हो ना, NaCl लिखते हो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है।
कोई भी कंपाउंड लिखते हो तो पहले पॉजिटिव वाला लिखते हो, बाद में नेगेटिव वाला लिखते हो। अमोनिया को छोड़ दो, अमोनिया में नेगेटिव वाला पहले है, ये मतलब है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -3 है, ये +1 है, वो एक्सेप्शन है। बट ज़्यादातर सॉल्ट्स में तो आप पॉजिटिव वाला पहले लिखते हैं, नेगेटिव वाला बाद में लिखते हैं। तो कैटायनिक आयनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स ये कहलाता है, ठीक है। अब आपको तो ये फॉर्मूला दिया हुआ था, आपने नाम लिखा, अब आपको हम नाम देंगे और आपका उसको फॉर्मूला बनाना है, ठीक है जी। चलिए, ये लिखा हुआ है पोटेशियम पेंटा हाइड्रोक्सो जिंकेट, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड दिए, पेंटा पोटेशियम पेंटा हाइड्रोक्सो जिंकेट, इसका आप फॉर्मूला बनाए। बना पा रहे हैं बच्चों? बताओ। हाँ देखिए, पोटेशियम को तो बाहर ही रखना है, पेंटासाइन हाइड्रोक्सो जिंकेट सेंट्रल मेटल को पहले लिखते हैं, पेंटा हाइड्रोक्सो तो 5 बार OH है, इसकी +2 दे ही रहा है, इसकी -1 होती है तो -3 चार्ज चढ़ा, तो यहाँ +3 कब चढ़ेगा? जब K3 होगा, K3ZnOH5, ठीक है जी। ऊपर वाला हटा देते हैं और दूसरा कंपाउंड के लिए नाम लिख देते हैं। डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2-diamine प्लैटिनम 4th नाइट्रेट, इसका नाम लिख दिया है, इसका फॉर्मूला बनाइए जल्दी से। हाँ जी, कैसे करोगे इसको? नाइट्रेट का तो NO3 होगा, कितना? हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? विशाखा राधिका, कुछ कहना है? नाम बोलो इसका, फॉर्मूला कैसे बनेगा? PtCl2En2NO3, बस NO3 पे चार्ज निकालो, नाइट्रेट प्लैटिनम +4 था, ये -2 है, तो इसके ऊपर +2 चार्ज चढ़ा, तो इस पर -2 चढ़ाने के लिए क्या करोगे? NO3 2 होगा कि नहीं होगा? ये प्लैटिनम 4 दिया है इसने ऑक्सीडेशन स्टेट, ये Cl की -2 होती है, ये तो 0 ही है, तो इसके ऊपर +2 चढ़ रहा है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 होना चाहिए ना, ये NO3 पे तो -1 होता है, तो 2 है, तो -2 करो, तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं इसी पैटर्न का क्वेश्चन। डाई एक्वा
बेस इथेन 1,2-diamine नाइट्रेटो बोन आ रहा है कोई? अच्छा डायक्वा बिस इथेन 1,2-diamine नाइट्रेटो नाइट्रेटो प्लैटिनम फोर्थ नाइट्रेट करिए नाइट्राइटो नहीं है नाइट्रेटो NO3-. हाँ जी कोशिश करिए हाँ जी ठीक है कैसे करोगे इसके अंदर पीटी इसमें भी आप अल्फ़ाबेटिकली रख दो बात समझिएगा इसमें भी लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकली रख दो एक्वा सबसे पहले लिख दो कितने हैं दो वाटर हैं डाई एक्वा फिर इथेन 1,2-diamine आएगा बिस है तो ट्वाइस हो जाएगा फिर नाइट्रेटो है NO3 हो जाएगा प्लैटिनम आपने रख ही दिया और नाइट्रेट एक बाहर भी है अब ध्यान दो बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 दी हुई है वाटर की 0 EN की 0 इसकी -1 तो ओवरऑल +3 चार्ज चढ़ गया तो यहाँ -3 कब चढ़ेगा इसको थ्राइस कर दो ओके जी हो गया इस तरह से नाम देते हैं तो हम लोग ने नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करी है इसको आप लीगेंड्स याद करेंगे और इनकी प्रैक्टिस घर पे करेंगे NCERT ने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं उनको पक्का करेंगे ठीक है बच्चों यहीं तक रखते हैं इसको